आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक व्हाई वी डोंट गेट इलेक्ट्रिकल शॉक फ्रॉम वेल्डिंग मशीन, मतलब कि वेल्डिंग मशीन से हमें करंट क्यों नहीं लगता है। दोस्तों आज का यह टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोगों के मन में इससे जुड़े बार बार सवाल आते हैं कि आखिरकार हमें वेल्डिंग मशीन से करंट क्यों नहीं लगता है। इसके अलावा मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी के साथ में डिस्कस किया था कि आखिरकार वोल्टेज और करंट किसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल का शॉक लगता है और हमारी मृत्यु होती है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी भी इंसान को इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा वो वोल्टेज और करंट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन किसी भी इंसान की जो मौत होती है, जो मृत्यु होती है, वो करंट लगने की वजह से होती है। मतलब कि इस इंसान की बॉडी में से कितनी वैल्यू में करंट फ्लो होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा कि आखिर इस इंसान की डेथ होगी या नहीं होगी। तो अब उस पुरानी वीडियो के अंदर ही कुछ लोगों के काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर इंसान की करंट लगने से मौत होती है तो उस समय हमें वेल्डिंग मशीन से करंट क्यों नहीं लगता, वेल्डिंग मशीन हमारे लिए नुकसानदायक क्यों नहीं है, जबकि अगर हम वेल्डिंग मशीन को जाके चेक करते हैं तो इसके अंदर हमारे 50-60 एम्पियर तो आसानी से फ्लो होते रहते हैं, तो फिर आखिरकार हमें इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों नहीं लगता है, तो इसके पीछे क्या वजह है, वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो बिना जाने देर करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले एक ही छोटी सी बात को क्लियर कर लेते हैं कि कभी भी हम इंसान को इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा तो वह हमारा उस केस में लगेगा जब हमारी इस बॉडी में से, हमारी खुद की बॉडी में से करंट फ्लो होने लग जाएगा। मेरी इस लाइन का मतलब क्या है, तो इस लाइन का मतलब सिंपल सा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यह हमारी एक इलेक्ट्रिकल की केबल है। अब यह जो हमारी केबल है इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें लगभग 100 एम्पियर या फिर इससे भी ज्यादा इसमें 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें से 100 या 1000 एम्पियर करंट क्यों फ्लो हो रहा है, तो इस पे कोई भी आगे लोड जुड़ा हो सकता है, तो उस कारण से इस केबल पे हमारा इतना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन हम उदाहरण के लिए जो सबसे मुख्य चीज मान रहे हैं वो हम यह मान रहे हैं कि अब इस जगह एक कोई इंसान आता है, मैं आता हूं और आके हमारे इस वायर को आके टच करते हैं। अब सवाल यह उठता है क्या मेरे इस वायर को टच करने से क्या मुझे इलेक्ट्रिकल का शॉक लगेगा, क्योंकि इस वायर में से तो 1000 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, 100 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, तो मुझे इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा या नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है। इसका जवाब सिंपल सा यही है, इस वायर में से हमारा कितना एम्पियर करंट फ्लो रहा है उस पर कुछ भी डिपेंड नहीं है। डिपेंड ये होगा कि आखिरकार मेरी जो बॉडी है उस बॉडी में से कितना एम्पियर करंट फ्लो रहा है। अगर यह मेरी बॉडी में से फ्लो होने वाला एम्पियर 1 मिली एम्पियर होगा तो यह हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल एक लो लेवल का करंट होगा। इसके अलावा अगर मेरी बॉडी में से 5 मिली एम्पियर, यहाँ पे हम एम्पियर की बात नहीं कर रहे दोस्तों, यहाँ पे हम मिली एम्पियर की बात कर रहे हैं, 1 एम्पियर के अंदर हमारे 1000 मिली एम्पियर होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारी बॉडी में से 5 मिली एम्पियर करंट फ्लो होता है तो उस समय हमें बिल्कुल स्लाइटली शॉक लग सकता है, लेकिन यह हमें बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होगा। जबकि अगर हम नेक्स्ट बात करें 6 एम्पियर से 16 एम्पियर, तो उस समय हमें हल्का फुल्का इलेक्ट्रिकल का शॉक लग सकता है। इसके बाद में जब हम 18 से लेकर 99 मिली एम्पियर की बात करते हैं तो उस समय हमें काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का पेन हो सकता है। और इसके बाद में जब हम 100 मिली एम्पियर से 2000 मिली एम्पियर, मतलब कि 100 मिली एम्पियर से 2 एम्पियर के बीच की बात करते हैं तो यह हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। इस समय हमारा हार्ट फेल हो सकता है, मतलब कि इस समय इंसान की डेथ होना भी पॉसिबल है। और वहीं अगर हमारी बॉडी में से 2 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है, मतलब कि 2000 मिली एम्पियर ज्यादा करंट निकल जाता है, तो उस समय हमारी डेथ होना पूरी तरीके से पॉसिबल है, मतलब डेथ होना कंफर्म है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे तो हमने यह जान लिया कि हमारी बॉडी में से अगर 20-25 मिली एम्पियर करंट फ्लो होता है तो उस समय हमें इतना तेज इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में से 30 मिली एम्पियर के ऊपर करंट फ्लो होता है तो उस समय हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर हम बात करें कि आखिरकार हमें वेल्डिंग मशीन से करंट क्यों नहीं लग रहा, जबकि वेल्डिंग मशीन से तो हमारे 500 एम्पियर करंट फ्लो हो रहे हैं। तो अब अगर यह आदमी इस वेल्डिंग मशीन में इस मेटल रोड को छूते हुए वेल्डिंग करता है तो इस मेटल रोड को छूने के कारण इस आदमी को इलेक्ट्रिकल का शॉक क्यों नहीं लग रहा, तो इसके ऊपर अब हम बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारे इस सवाल का जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है। हमें इलेक्ट्रिकल का करंट वेल्डिंग मशीन में क्यों नहीं लग रहा, उसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले यह निकालना पड़ेगा कि आखिरकार इस समय वेल्डिंग करते समय अगर यह आदमी मेटल की रोड को टच कर लेता है तो इस आदमी की बॉडी में से हमारे कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और जैसा कि अभी हमने देखा, अगर हमारी बॉडी में से 30 मिली एम्पियर करंट के ऊपर करंट फ्लो होगा तो उस समय तो इसे इलेक्ट्रिकल का शॉक लगना चाहिए। तो दोस्तों अगला सवाल यह आता है कि आखिरकार बॉडी में से कितना करंट फ्लो होगा, इसको पता करने
के लिए हम किस फॉर्मूले का उपयोग ले तो काफी ज्यादा सिंपल सा है। तो इसे हम ओम्स लॉ की मदद से आसानी से पता कर सकते हैं। ओम्स लॉ हमें क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि अगर आप कभी भी वोल्टेज के अंदर रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दोगे तो उस समय आपको करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। मतलब कि अभी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहली चीज तो यह पता करनी है कि आखिरकार ये जो वेल्डिंग मशीन की रोड है इसमें हमारे कितने वोल्टेज फ्लो हो रहे हैं, हमारी कितने वोल्टेज की सप्लाई है। और सेकंड चीज हमें क्या पता करना है, तो सेकंड चीज हमें यह पता करनी है कि हमारी जो बॉडी है जिसके अंदर हम चाहते हैं पता करना कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आखिरकार उसका रेजिस्टेंस कितना है। जब हम इन दोनों की वैल्यू को पता करके इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इस समय इस इंसान की बॉडी में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम वोल्टेज की बात कर लेते हैं कि आखिरकार वेल्डिंग मशीन के आउटपुट से हमें कितना वोल्टेज मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल सी इमेज आपके सामने है। इस इमेज में बता रखा है कि जब भी हम हमारी वेल्डिंग मशीन को 240 वोल्ट इनपुट सप्लाई देते हैं तो उस समय इस वेल्डिंग मशीन के जो आउटपुट के जो केबल होती है इन दोनों में हमारे 37 वोल्ट की सप्लाई हमें आउटपुट में मिलती है। तो अभी इसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे 40 वोल्ट की सप्लाई मान के चलते हैं। अब दोस्तों वोल्टेज को पता कर लेने के बाद में करंट निकालने के लिए हमें सेकंड चीज पता होनी चाहिए कि आखिरकार हमारी इस ह्यूमन की बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है। और यह सेकंड चीज पता चलते ही हम आसानी से करंट की वैल्यू को पता कर लेंगे। और दोस्तों रेजिस्टेंस पता करने के लिए मैं आपके सामने ये इमेज लाया हूँ। इसकी मदद से आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी ड्राई है मतलब सूखी है और दूसरे केस में अगर हमारी बॉडी वेट है मतलब गीली है तो उस दोनों ही केस में हमारी बॉडी के रेजिस्टेंस पूरी तरीके से बदल जाते हैं। अब जब हम हमारी इस वेल्डिंग मशीन को करते हैं तो यह जो मेटल की रोड होती है इसे हम हमारे पाम से टच करते हैं, मतलब हमारी हथेली से टच करते हैं। तो अगर हम हमारी हथेली के रेजिस्टेंस की बात करें तो यह रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी 3000 ओम से लेके 8000 ओम के आसपास की आती है। तो दोस्तों अभी उदाहरण के लिए हम हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस इन दोनों का एवरेज मान लेते हैं जो कि लगभग 5000 ओम के आसपास आता है। अब हमें हमारी दोनों चीजें मिल चुकी है, हमें हमारी वेल्डिंग के आउटपुट के वोल्टेज भी मिल गए और हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस भी मिल गया है। अब यह दोनों का पता करने के बाद में हमें सिर्फ इन दोनों का डिवाइड करना है और हमें हमारी बॉडी में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मिल जाएगी। दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले वोल्टेज की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि हमारे लगभग 40 वोल्ट के आसपास है। अधिकतर जो वेल्डिंग मशीन होती है उसके अंदर जो आउटपुट वोल्टेज की सप्लाई होती है वो लगभग 30 से 40 वोल्ट ही होती है, लेकिन अभी हम उदाहरण के लिए यहाँ पे 40 वोल्ट लेके चल रहे हैं। सेकंड केस में हमें रेजिस्टेंस लिखना है तो रेजिस्टेंस हम यहाँ पे इन दोनों के बीच का एवरेज लेके चल रहे हैं जो कि हमारे 5000 ओम के आसपास आता है। अब दोस्तों जैसे ही हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं मतलब 40 डिवाइडेड बाय 5000 करते हैं तो उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू आ जाती है जो आती है 0.008। मतलब कि जब हमें से कोई इंसान वेल्डिंग मशीन को बिना कोई सेफ्टी ग्लव्स पहने बिना कोई सेफ्टी शूज पहने अगर डायरेक्ट मेटेलिक रोड को छूते हुए वेल्डिंग करता है तो उस समय उसकी बॉडी में से 8 मिली एम्पियर करंट फ्लो होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर इस बात का ध्यान रखना है उस समय इस ह्यूमन की जो बॉडी है वो बॉडी ड्राई कंडीशन में है, मतलब कि वह गीली नहीं है। और इसके अलावा हम सभी को बताएं जब भी हम वेल्डिंग मशीन करते हैं उस समय हम शूज और ग्लव्स का अधिकतर केस में यूज जरूर करते हैं। तो अगर उस सेफ्टी इक्विपमेंट के रेजिस्टेंस को भी ऐड करके अगर आप करंट की वैल्यू को पता करोगे तो वह हमारे 1 मिली एम्पियर से भी कम की वैल्यू आएगी। और अभी के केस में अभी हमने बिना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट के करंट को मेजर किया तो वह वैल्यू हमारी 8 मिली एम्पियर आती है। तो अब इस 8 मिली एम्पियर की वैल्यू से हमें क्या पता चलता है, तो हमने जैसा कि पहले देखा था जिसके नाम में मिला था कि अगर 30 मिली एम्पियर से कम की वैल्यू अगर ह्यूमन की में से करंट फ्लो होता है तो उस समय उसे इलेक्ट्रिकल का शॉक नहीं लगता है। और अभी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारी 8 मिली एम्पियर ही है। दोस्तों यही एक सिंपल सा रीजन है जिस वजह से वेल्डिंग मशीन से हमें करंट नहीं लगता है। इसके अलावा इसी तरह आप इस फॉर्मूले का उपयोग करके और भी कई जगह पता कर सकते हैं कि आखिरकार किस जगह कितनी मात्रा में करंट फ्लो हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रिकल आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।